ओके okay, यहाँ हम लोगों को सेकेंड टर्म फाइंड करना है और थर्ड टर्म फाइंड करना है। यहाँ फर्स्ट टर्म दे दिया है और फोर्थ टर्म भी दे दिया है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको पहले लिख दो। तो ये रहा फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 और फोर्थ टर्म, ठीक है। सो यहाँ 9 वन बाई टू दे दिया है मिक्सड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 19/2। ओके इसके बाद हम लोग को ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है जो मिसिंग है। सो हम लोग को d चाहिए, हम लोग को तो a4 तो गिवन है या 19/2, इससे हम लोग d फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को a का भी वैल्यू मालूम है। सो ये रहा a प्लस 3d, ये a4 हो जाएगा, राइट, फोर्थ टर्म, ठीक है। अच्छा a तो 5 दे दिया है, सो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ओके 5 को इधर भेज दो, तो ये रहा, क्योंकि इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 19/2 माइनस 5, ठीक है। एलसीएम आया तो यहाँ 10 आ जाएगा, करेक्ट, और यहाँ 19, क्योंकि यहाँ तो 2 है ही। सो 3d अब यहाँ कितना हो गया, ये रहा, ये कितना हो जाएगा, 19 माइनस 10 तो 9, तो 9/2, और यहाँ 3d है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर भेज दो, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, सो इंटू 1/3, ये कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, ठीक है, और ये 3/2 डी आ गया। अब डी मिला, अब हम लोग a2 और a3 फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, काफी इजी है। सो a2 कितना होता है, a प्लस डी, ए तो यहाँ ऑलरेडी 5 है और प्लस 3/2, फिर से एलसीएम होगा तो यहाँ 10 आएगा और 10 प्लस 3 सो 13/2, ठीक है, क्योंकि 10 प्लस 3 13 हो गया और ये बाय 2, सो 13/2 तो इक्वल टू कितना आया, 6 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा a3 हम लोग को भी फाइंड करना है, तो a प्लस 2d, ए 5 है और 2 इंटू डी कितना निकला था, 3/2, सो 2 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 5 और प्लस 3 तो 8, ठीक है। ओके गूगल में टाइप कर लेना जैस मैथमेटिक्स क्लासेस, ये एक वेबसाइट आएगा और ये एक दूसरा वेबसाइट, ठीक है, दो गो वेबसाइट है, तो हम लोग इसमें चलते हैं पहला वाला वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ आएगा, ये देख लो नोट्स है, ठीक है, अलग अलग क्लास का, ये रहा क्लास 10 और ये रहा क्वेश्चन बैंक, क्लासेस 6 to 12 तक का है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10 में चलते हैं, तो समझ लो मैं क्लास 10 में गया और ये रहा अलग अलग चैप्टर साइंस का मैथ का, और समझ लो मुझे नोट्स में जाना है, ये रहा पहला चैप्टर, ठीक है। तो ये रहा नोट्स, देख लो इस तरह से नोट्स बना हुआ है, ठीक है। अब समझ लो मैं जाना चाहता हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में गया, ये रहा क्लास 10, ओके। ये रहा देख लो प्लेलिस्ट से लिंक है या तो चैप्टर वाइज भी है, ठीक है। समझ लो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये रहा चैप्टर और ये रहा एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, और ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन, यहाँ क्लिक करो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा, क्लिक किया, देख लो यूट्यूब में आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो पहला था, यहाँ तुम लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ नोट्स मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये रहा दूसरा वेबसाइट, ये देख लो, ये जैस मैथमेटिक्स क्लासेस डॉट कॉम है, ठीक है, डॉट कॉम है, और ये जैस क्लासेस डॉट इन है, तो यहाँ भी सेम है, ठीक है, एक यहाँ से लिंक है, ये रहा क्लास 10, यहाँ से लिंक मिलेगा, और नहीं तो तुमको यहाँ, तुम लोगों को यहाँ से भी लिंक मिल जाएगा, ये रहा देख लो, यहाँ भी क्लास 10 है, यहाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बैंक है, ओके।